bismillah Rahmanir rahim assalamu alaikum students of grade 2 uh, hope all of you are fine i am your SSD teacher uh, today we are going to start our lesson number 2 so open your books stepping stone page number 12 topic is heroes of pakistan ke pakistan ke heroes heroes means अज़ीम लोग ग्रेट पीपल बड़े लोग ठीक है वट वि लर्न वट वि स्टूडेंट्स लर्न इस चैप्टर में आपको क्या पता चलेगा नरेट द मैन इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ क़ाइम एंडा इकबाल कि कायद अजम और इकबाल की ज़िंदगी में जो अहम वाक़ पेश आए उनके बारे में पता चलेगा तो कायद अजम एंडा इकबाल ये आपको पता है ये दोनों हमारे कंट्री के हीरोज़ हैं ठीक है अच्छा द पाकिस्तान मोमेंट इज़ अ कंट्री ऑफ हाउ पाकिस्तान बॉज बॉर्न के पाकिस्तान मोमेंट पाकिस्तान बनने की कहानी है आ, पाकिस्तान मोमेंट मोमेंट क्या होता है मोमेंट मीन्स के जब कोई ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों का एक ग्रुप मिलकर किसी एक ख़ास मकसद के लिए काम करते हैं तो वो मूवमेंट बन जाती है तो पाकिस्तान मूवमेंट का मतलब है कि पाकिस्तान को बनाने के लिए लोगों ने जब मिलकर जो एफर्ट की है तो उस वो जो जिन्होंने पाकिस्तान हासिल करने के लिए ये ग्रुप बनाया तो वो उस ग्रुप को हम पाकिस्तान मूवमेंट कहते हैं ठीक है तो पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान बनने की कहानी है मुस्लिम्स वांटेड अ सेपरेट कंट्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन विदाउट फियर ये तो आपको पता है ना कि पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमान और हिंदू एक ही जगह पर रहते थे और उस जगह को हिंदुस्तान कहा जाता था तो इस हवाले से यह बता रहे हैं आपको कि मुस्लिम्स जो हैं वो उनको अलग मुल्क चाहिए था जिसमें वो आ, अपने मज़हब के मुताबिक बग़ैर किसी डर के ज़िंदगी गुजार सकें देर आर ग्रेट लीडर्स हो पार्टिसपेटेड इन दिस स्ट्रगल और इस कोशिश में अजीम या बड़े लीडर्स ने हिस्सा लिया अमंग दैम इन में मोहम्मद अली जना मीन्स कादेम की बात कर रहे हैं लामा इकबाल सर सैद अहमद ख़ान एंड फातमा जना तो इन लीडर्स में इन अजीम लीडर्स में ये लीडर्स मोहम्मद अली जनाबाल सर सैद अहमद ख़ान एंड फातमा जना शामिल हैं तो आज हम पढ़ेंगे कायद अज़म के बारे में ठीक है कायद अजम मोहम्मद अली जना वॉज़ अ ग्रेट लीडर एक अजीम लीडर थे ही स्टडिड लॉ फ्राम इंग्लैंड उन्होंने इंग्लैंड से कानून की तालीम हासिल की रिटर्न बैक टू हिज कंट्री और अपने मुल्क में वापस आए ही जॉइंट द स्ट्रगल एंड वर्क डे एंड नाइट टू गेट एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम उन्होंने इस स्ट्रगल में पाकिस्तान बनने की स्ट्रगल में हिस्सा लिया दिन रात मेहनत की और एक जो है वो किस लिए मेहनत की कि मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क इंडिपेंडेंट मीन आज़ाद स्टेट मीन मुल्क तो मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क हासिल करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ नेशन कि उनको कॉम का बाप फादर कौन होते हैं बाबा ठीक है तो उनको कॉम का बाप कहा जाता है इन नाइनटीन फोटी एट वंस when he was talking to students in peshawar he told faith he told them ke in 1948 jab wo peshawar mein students ke sath baat kar rahe the to unhone kaha ke the success of our achievement कि कहता है कि किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए will depend के कि, यानी किसी भी न, मैदान में कामयाबी हासिल करने का किस चीज़ पर है ऑन आर यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन कि किसी भी आ, मैदान में कामयाबी हासिल करने के लिए आ, का कामयाबी हासिल करने का इसार यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन पर है यूनिटी मींस इतिहाद फ़ेथ मीन ईमान डिसप्लिन मीन्स नज़म ज़ब प्रॉपर वे में काम करना ठीक है कि किस ये काद अजम ने फरमाया आफ्टर फ्यू ईयर्स चंद सालों के बाद यूनिटी फेथ डिसप्लिन जो यूनिटी फेथ और डिसप्लिन जो है वॉज एडोप्टड एज़ नेशनल मोटो ऑफ पाकिस्तान के चंद सालों बाद ये जो है हमारा कौमी नारा बन गया ठीक है कौमी नारा बना दिया गया कौन सा यूनिटी फेथ डिसिप्लिन कायद एजम पास्ड अवे ऑन एलेवन सेप्टेंबर नाइनटीन फोर्टी एट ही इज़ बरेड इन कराची कियद एजम जो हैं वो एलेवन uh, सेप्टेम्बर नाइनटीन फोटी एट को uh, उनकी वफ़ात हुई और उनको कराची में दफनाया गया सो so, स्टूडेंट्स नीचे देखें आप लास्ट में एक कॉलम एक ब्लॉक सा बना हुआ है जिसमें कादी अजम की डेट ऑफ बर्थ भी लिखी हुई है ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर एटीन सेवेंटी सिक्स और डेट ऑफ बर्थ ऑफ इलामा इकबाल इज नाइन नवंबर एटीन सेवेंटी सेवन सो स्टूडेंट्स इट इज़ आ टूडेज लेक्चर आपने इसको टू टू थ्री टाइम्स अच्छी तरह रीड आउट करना है और कायदे अज़म के बारे में जो मालूम इधर दी गई हैं उनको अच्छी तरह से समझना है थैंक यू